ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଏକାଥରେ ଏହି ନୂଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ୟା ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଇଠୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ କିଛି ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା କରାଯିବ। ତଳେ ୟା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ତଳେ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚଟାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟା ତଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ। ଏହା ଉପରେ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ହେବ। ପାଖାପାଖି 2-3 ହଜାର ଚେୟାର ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଲୋକେ ବସିପାରିବେ। ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଏଠିକାର ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାମ୍, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଭି ଯାହା ପେ ଆପ୍ ଓର ମେଁ ଅଭି ଖଡ଼େ ହୁଏ ହେଁ, ଅଗର ୟେ କିତନା ଲମ୍ବାଇ ଇସ୍କା କିତନା ହେଁ ଔର କିତନେ ଲୋଗ ୟହାଁ କେ ଉପର କ୍ୟା କ୍ୟା ବନା ଜାଏଗା, ଲୋକ ସୁବିଧା କ୍ୟା କ୍ୟା ଲୋଗୋଁ କେ ଲିଏ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଗା। ୟେ 108 ମିଟର୍ସ କା ଏୟାର କନକର୍ସ ହେ। बेसिकली ये वेटिंग हॉल की तरह यूज़ होगा। यहाँ पे सारे वेटिंग हॉल रहेंगे, स्टॉल्स रहेंगे, ये सब यहाँ रहेगा। एंड इवन फूड स्टॉल्स एक्सेट्रा जो भी अवेल करना है वेटिंग हॉल सब यहाँ से कनेक्टेड है, एयर कॉन्कोर्स से कनेक्टेड है। मैडम, आप जैसे कि एयर कॉन्कोर्स ये मतलब इसका मतलब क्या है, क्या बोल के हम समझा सकते हैं हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या बोल सकते हैं? एयर कॉन्कोर्स का मतलब क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है, लोगों को लोग क्या बेनिफिट पाएंगे? ये एक प्लेटफॉर्म है विच इज़ ओवर द रनिंग ट्रेन्स। नीचे में ट्रैक चल रहा है और ऊपर में हमारा प्लेटफॉर्म है। सो बेसिकली यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ अराइवल और डिपार्चर पैसेंजर्स का सेग्रीगेशन हो रहा है। सो एयर कॉन्कोर्स इज़ जहाँ पे डिपार्चर कॉन्कोर्स से डिपार्चर वाला पैसेंजर्स आएंगे और एयर कॉन्कोर्स में उनका वेटिंग एरिया होगा बेसिकली, और यहाँ से वो प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे। जो भी प्लेटफॉर्म अनाउंस होगा उस हिसाब से यहाँ पे प्लेटफॉर्म जाएगा। सो दैट और जो अराइवल पैसेंजर्स है वो FOB के थ्रू जाएगा और वहाँ से वो FOB अराइवल कॉन्कोर्स से बाहर जाएंगे। सो ये जो सेग्रीगेशन के लिए ये है। जैसे कि अगर कोई जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं वो कैमरा पर्सन को कहीं भी टिके विजुअल देखेबे, देखंतु सेही पटु जोने यात्री आसीबो एठी वेटिंग हॉल हबो एठी अपेक्षा करिबो एठू तापरे ता निजरो ट्रेन जते बेले समय धरिबो से एठू जिबो। मैडम, यहाँ से ये जो वेटिंग हॉल है यहाँ से नीचे कैसे जाके ट्रेन वो लोग पकड़ेंगे? यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे हम लोग लिफ्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, स्टेयर फैसिलिटीज दे रहे हैं और एस्केलेटर्स भी दे रहे हैं। ऑल 3 फैसिलिटीज अवेलेबल ईच प्लेटफॉर्म को जाने के लिए देयर विल बी फैसिलिटीज अवेलेबल। ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସୁଥିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେଇଠି ଆମେ ନିଜର ଟ୍ରେନ୍ର ନମ୍ବର ଦେଖୁଥିଲେ। ନମ୍ବର ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 1, 2, 3 କିମ୍ବା 6, 7 ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆମେ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠାଇକି ଚାଲି 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 ଗୋଟେ ଫୁଟ୍ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ। ଏଣିକି ଆଉ ତା'ର ଚିନ୍ତା ରହିବନି, ଆଉ କୌଣସି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯଦି କହିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଖରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ୱେଟିଂ ହଲ୍, ଏଇ ୱେଟିଂ ହଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେ ଆସିବ। ଧରନ୍ତୁ ତା'ର ଯଦି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 2 ଲାଗୁଛି ତ ଏଇଠି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଏଠି ଲିଫ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଏହି ଲିଫ୍ଟରେ ସେ ତଳକୁ ଯାଇକି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 2 ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଠିକ୍, ଯିଏ ଯଦି ଲିଫ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍କେଲେଟର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିଏ ଯଦି ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତା ପାଇଁ ଫୁଟ୍ର ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାହାଚ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏହା ସେ ନିଚେ ଯା ସକତେ ହେଁ ତୋ ଫିର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେ ଉହାଁ ପେ ପହଞ୍ଚ ଯାଏ, जो भी प्लेटफॉर्म नॉमिनेटेड है आपका आप वहाँ पर यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। मैडम, जैसे कि दिव्यांग लोग जो हैं, जो फिजिकली चैलेंज हैं, उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म में, ये रेलवे स्टेशन में क्या क्या सुविधाएं हैं? जैसे कि हम देखते हैं कोई अगर दिव्यांग जो फिजिकली जो लोग चैलेंज है वो लोग जब भी आते हैं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड ये सभी में थोड़ा उनको दिक्कत होता है, उन लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ किया गया है? ये स्टेशन इज़ डिज़ाइंड फॉर दिव्यांग फ्रेंडली फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड। इसमें स्टेशन का लिफ्ट है, रैम्प फैसिलिटी है, टैक्टाइल फैसिलिटी है। सो इस जो भी इनको ज़रूरत होगा दोस फैसिलिटीज़ आर इनकॉर्पोरेटेड इन द डिज़ाइन एक्चुअली। ये जो अभी काम चल रहा है जैसे कि ये सब लिफ्ट में जैसे कि 20 फुट ऊपर से सामान आ रहा है नीचे आ रहा है, कितना टेक्निकली ये काम को आप लोग देख रहे हैं, कितना टेक्निकली ये चीज़ जो अभी हो रहा है? ये इरेक्शन ऑफ एयर कॉन्कोर्स थोड़ा सा क्रिटिकल एक्टिविटी था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेन रनिंग है ये स्टेशन को फंक्शनल रख के ये प्लेटफॉर्म बनाया गया ये ट्रैक के ऊपर से।
सो ये थोड़ा सा क्रिटिकल एक्टिविटी था और इसको हम लोग को ब्लॉक लेना पड़ता था और मोस्टली हम लोग रात में काम करते थे। और आप जैसे देखेंगे कि क्रेन का जो ऑपरेटर है वो बिल्डिंग जो बिल्डिंग बन रहा है उसके उस पार है और जबकि इरेक्शन हो रहा है इस पार, तो इसमें बहुत प्रिसिशन की ज़रूरत है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के इस हिसाब से ही ये पूरा लॉन्चिंग हुआ है। सो ये एयर कॉन्कर्स का लॉन्चिंग एक बहुत क्रिटिकल एक्टिविटी था इस प्रोजेक्ट में। निहाती भाव में देखुले जहाँ डेप्युटी चीफ इंजीनियर निजे प्रकाश करुले कि प्रतिक्रिया रखुले कि पखापाखि जदि कह दिन राति एक करी काम करापाखि 400 अधिक अर्थात 600 पखापाखि लोक इटि काम कर इंजीनियर ठू आरंभ करी लेबर पर्यंत समस्ते वर्तमान यही रेल स्टेशन को किभली भाव में खूब शीघ्र लोकों पाखे पहुँचव लोके यार सुविधा नहीं पारे राति दिन हो काम कर सबुठ बड़ कथा है जो मैंने फिजिकाली चैलेंज अच्छा जो मैंने दिव्यांग से समस्त प्रकार सुविधा दिजिव एवं दिव्यांग मानी संपूर्ण ये फ्रेंडली रेलवे स्टेशन टी रही जहाँ प्रतिक्रिया प्रकाश कर। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।